नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का सवाल है क्वेश्चन इज एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड हाई एंगुलर रेजोल्यूशन व्हेन इट हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ऑप्शन है स्मॉल फोकल लेंथ लार्ज डायमीटर लार्ज फोकल लेंथ स्मॉल डायमीटर लार्ज फोकल लेंथ लार्ज डायमीटर स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल डायमीटर ना इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज डायमीटर ठीक है सो इसको ऐसे देखना जब हम बात करते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन की तो जब हम मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे सो so, आपके टेलीस्कोप जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप उसका मैग्नीफिकेशन हम लिखते हैं एफ नॉट डिवाइडेड बाय fe ठीक है और जब हम उसके एंगुलर रेजोल्यूशन की बात करते हैं आ, एंगुलर रेजोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसको हम लिखते हैं डी डिवाइडेड बाय इसको हम लिखते हैं 1.22 लैम्डा ठीक है हॉल तो आ, अगर हमें मैग्नीफिकेशन लाल चाहिए तो हमें इसकी वैल्यू लाज चाहिए ये ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ डायमीटर भी आपका ज़्यादा होना चाहिए ठीक है यहाँ पे हमें सिर्फ इन दोनों की बात की गई है तो इन दोनों की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए ठीक है अगर आई पीज़ की बात करते हैं तो इसको एफ को हम स्मॉल कह सकते थे या लेमडा को भी स्मॉल वाला वो कह लेते बट विजिबल रीजन में हमें देखना है सो तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव